So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and perfect way of study. So, जैसा कि हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पिछले लेक्चर में जो हमारा पिछला लेक्चर था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, उस लेक्चर में मैंने जो फ्लो चार्ट कहा था वो फ्लो चार्ट इस लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें चेंज इन स्टेट, वो प्रोसेस क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और उसका एग्जाम्पल, ये सभी गिवन है. ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा ताकि आप जब एग्जाम टाइम में जाएं तो बस आपको एक क्विक रिवीजन के लिए एक बार अपने नोट्स को ओपन करें और ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें. सो इसको एक बार क्लियरली समझ लेते हैं. सॉलिड से लिक्विड, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे अपने सेल्फ नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए. इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पूरे टॉपिक का एक पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको आगे समझते हैं और इसको आप अभी एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं इसी से. सो इसको समझते हैं. सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा. एग्जाम्पल में आप C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस है. उसके बाद लिक्विड से गैस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ये इसमें भी टेम्परेचर हाई, प्रेशर डिक्रीज रहेगा. एग्जाम्पल में आप H2O लिक्विड यानी कि वाटर, इसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये H2O गैस चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है. फिर आता है सॉलिड, सॉलिड का गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है. इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, प्रेशर डिक्रीज करते हैं. इसका एग्जाम्पल कैम्फर यानी कि कपूर, C10H16O, इसका गैसेस स्टेट, अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा. और गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पर अपोजिट साइकिल चलने लगती है. इसमें टेम्परेचर लो, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2O गैस यानी कि जो वेपर बन चुका है, वेपर को वापस से कलेक्ट कर करके उसको लो टेम्परेचर पे वापस से कूल करके H2O लिक्विड में चेंज किया जा सकता है. फिर आता है गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड यानी कि डिपोजिशन प्रोसेस, सब्लिमेशन का अपोजिट डिपोजिशन, और बॉइलिंग इवापोरेशन का अपोजिट कंडेंसेशन. उसके बाद आता है डिपोजिशन, जिसमें टेम्परेचर लो, प्रेशर इंक्रीज करते हैं. और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं आयोडीन, आयोडीन का गैसेस स्टेट से कूल करके आयोडीन के सॉलिड स्टेट में लाना, ये डिपोजिशन कहलाता है. फिर आता है लिक्विड से सॉलिड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी टेम्परेचर हमारा लो होता है, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, H2O लिक्विड से आइस में चेंज होता है. अब यहाँ पे एक बात उठती है कि जो हमारा H2O होता है वो लिक्विड होता है, वो कलरलेस होता है. वाटर क्या होता है, कलरलेस, पर जो हमारा आइस होता है वो कुछ हमको व्हाइट कलर का पूरा दिखता है. वो हमको व्हाइट कलर का, जब ये हमारा कलरलेस है तो इसका हमने कलर कैसे जाना, जब ये हमारा कलरलेस हो गया तो इसका कलर हम कैसे बता सकते हैं कि ये आइस जो हमारा है इसमें कलर कहाँ से आ गया. सो जब ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब अगर हम इसका लिक्विड से इसको सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं, यानी कि जब आइस का फॉर्मेशन होता है जो उसमें मॉलिक्यूल्स वाटर के जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं, पास आ जाते हैं. उसके बाद जब उन पर लाइट पड़ती है, यानी कि मान लीजिए आप ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मान लीजिए हमारा हो गया आइस, ये हमारा आइस है हमारा, और ये कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है. जब वाटर कलरलेस है तो ये हमारा व्हाइट कलर का कैसे हुआ, ये व्हाइट कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि इस पर जो सन की रेज पड़ती हैं, इस पर जो लाइट पड़ती है वो इसके अंदर जा करके इसी में रह जाती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये क्लास 10th में आपको मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर आपको इसी बात से समझ लीजिए कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी लाइट जो है ये अंदर ही पार्टिकल्स में घूम के रह जाती है, इसीलिए ये कुछ व्हाइट कलर का हमको दिखाई देता है. सो ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. अब आते हैं आज की टॉपिक पे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. आज को हमको पढ़ना है एक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम और टेम्परेचर स्केल एंड द टू स्टेट ऑफ मैटर.
वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आपका टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। आइए जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होता है। लेटेंट हीट जानते हैं, स्टीम तो उसका पार्ट हो जाता है। पहले जानते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, जब हमारा सॉलिड चेंज, मतलब सॉलिड जो है जो अपनी स्टेट को चेंज करता है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, हीट। जब और ज्यादा हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो गैस में चेंज होता है। अब यही जो हमने हीट प्रोवाइड की, ये हीट क्या हुई हमारी, लेटेंट हीट। अब इसको पूरा फुल डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें, द अमाउंट ऑफ हिडन हीट, द अमाउंट ऑफ हिडन हीट विच इज गिवेन टू द स्टेट ऑफ मैटर, टू द स्टेट ऑफ मैटर टू चेंज इट्स स्टेट। यानी कि जब अपना स्टेट ये चेंज करता है, उसमें जो हम हीट प्रोवाइड कराते हैं वही होता है हमारा लेटेंट हीट। अब इसको समझते हैं कैसे। लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं किसी भी मैटर को अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। अभी जैसे सॉलिड है, ये हमारा हो गया सॉलिड, ये हो गया हमारा सॉलिड, इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोजली बाउंडेड हैं, ये हमारा क्लोजली पैक्ड है। जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ा ये कुछ इस शेप में, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड की, यहाँ पर इसने अपना स्टेट चेंज किया, ये स्टेट ऑफ, यानी कि जहाँ पार्टिकल्स थोड़े, पार्टिकल्स में जहाँ स्पेस होता है वो कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड। ये हमारा लिक्विड स्टेट में आ गया, ये सॉलिड में था, इसको हमने हीट प्रोवाइड की, उसके बाद ये लिक्विड में आ गया। तो ये इसने स्टेट चेंज किसे किया, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की हेल्प से। यहाँ पर यह हो गया लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट होता है दो टाइप का, एक तो हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ आइस और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg ऑफ आइस टू चेंज इट स्टेट। यहाँ हम 1 kg बस एक अमाउंट दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी उसका कोई पर्टिकुलर इससे रिलेशन नहीं है। ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ आइस का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg ऑफ आइस टू चेंज इट स्टेट। अब आता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट। यानी कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है एक स्टीम को, यानी कि गैस को अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, वही होता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। यहाँ से ये हो गया हमारा लेटेंट हीट पूरा टॉपिक।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर स्केल। सो आगे देखेंगे हम क्या होता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर से हम पहले भी मिल चुके हैं। आगे जो पिछला हमारा लेक्चर था, टेम्परेचर तो हमारा एक फैक्टर वहाँ पे बन जाता है कि कैसे वो इफेक्ट करता है चेंज इन स्टेट में। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में आता है कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थ्री पार्ट्स में। यहाँ पे क्या आता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। यहाँ पे हमारे पास थ्री मेजरिंग स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा आता है फारेनहाइट। अब स्पेसिस क्या है, एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, फारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो वही सेम थिंग है, उसके लिए फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस को अगर हमको फारेनहाइट में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस इनटू नाइन बाई फाइव प्लस 32, ये होता है हमारा फॉर्मूला फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का। अगर हमको दिया हुआ है फारेनहाइट और उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो उसके लिए होता है फारेनहाइट इनटू 5/9 माइनस 32, या फिर आप माइनस 32 अपॉन 9 इंटू 5 इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है, ये तो हमारा हो गया इसका दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें। अब आता है डिग्री सेल्सियस का केल्विन में। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये एक पर्टिकुलर और ये हमारा एक पर्टिकुलर जो नंबर है इसको हमको रिमेम्बर करना पड़ता है। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो इसको आपको हमेशा रिमेम्बर रखना पड़ेगा। अगर हमको फारेनहाइट, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट उठता है फारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने का। फारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो फारेनहाइट इंटू 5 अपॉन 9 माइनस 32 प्लस 273.15, ये बनता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप क्या, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, अगर आप उसको रिलेट कराएं तो आप किससे रिलेट करा सकते हैं इसको, इससे। सेम फॉर्मूला है, इसका दोनों का रिलेशन सेम है, तो आप लास्ट में फिर इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला आप नोट करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, पर अगर आप एग्जांपल लें, हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से एग्जांपल। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.8 डिग्री, पर हम यहाँ पर लेते हैं किसका, यहाँ पर हम अप्रॉक्सिमेट 37 डिग्री लेते हैं। तो 37 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, पहले उसको हम केल्विन डिग्री सेल्सियस में चेंज, फारेनहाइट में चेंज करेंगे। हमको पता है 37 डिग्री सेल्सियस हमको सेल्सियस में पता है, उसको हम फारेनहाइट में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर केल्विन में 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फारेनहाइट में चेंज करते हैं। फारेनहाइट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं एक बार, इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर फारेनहाइट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लगते हैं वैल्यू 37 इंटू 9/5
प्लस 32। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया और अपॉन 5 प्लस 32। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, प्लस 110 बाई 5 इज इक्वल टू 443 बाई 5। तो इसको हम पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं, नहीं कहीं पे मिस्टेक है, यहाँ पे 160 होगा, सॉरी तो यहाँ पे आएगा 493। तो यहाँ पे अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं फ़ारेनहाइट, ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से हमारा फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो गया। अब फ़ारेनहाइट से आप वापस से सेल्सियस में इसी प्रोसेस को उल्टा करके चेंज कर सकते हैं। अब हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, ये हमारा 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको चेंज करते हैं केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये हमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 37 डिग्री प्लस 273.15 ये हो गया केल्विन में। ये तो हो गया टेम्परेचर स्केल। अब एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टू स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बस इसमें ऐसे रेफरेंस में दे दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ डीप में आपको पढ़ना नहीं, बस इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आपको चलना है, तो उसी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। टू स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि है एक प्लाज्मा, दूसरा है BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो हमारा दो टॉपिक है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है BEC, यही दो टॉपिक हमको कवर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, यानी कि प्लाज्मा जो होगा वो बहुत हमारा हाई टेम्परेचर पे है। जो स्पार्कलिंग हम लोग लाइट्स में देखते हैं, जो हमारा लाइट जलता है लाइट के अंदर, जो मतलब जो हीट प्रोड्यूस करता है, जो वो कैसे स्पार्कल करता है, वही होता है प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी हम एक स्टेट, इसमें कोई पर्टिकुलर आपको डिफिनीशन या फिर कुछ समझना नहीं है, बस इसको प्लाज्मा समझ रही है। अभी देख, मान लीजिए कोई सॉलिड लिया हमने, सॉलिड को हीट प्रोवाइड की, तो किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। अब इसको और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, गैस में। अब अगर हम समझते हैं, मान लीजिए हम इतने पे रुक जाते हैं, अब इसको अगर हम और हीट प्रोवाइड करें तो ये क्या कर होगा, अगर इसी गैस को हम और हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, वही होता है प्लाज्मा स्टेट। तो अब कैसे होगा, जब इसको हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एटम में, यानी कि धीरे धीरे ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये एटम में ब्रेक हो जाएगा। एटम में ब्रेक होने के बाद ये और अपने फाइनेस्ट पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब जब इसको और हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये इन तीनों में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से एक क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि द हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ एटम इज नोन एज इट्स प्लाज्मा स्टेट।
ये जब अपना एटम जो है वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है तो वही उसका प्लाज्मा स्टेट हो जाता है। जब इसको हम सबसे बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते चले जाएंगे तो इसका एलिमेंट होगा वो ब्रेक डाउन होता चला जाएगा। मॉलिक्यूल्स हमारा एटम में ब्रेक होगा, एटम फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा, वो जो स्टेट आ जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, तो वही होगा प्लाज्मा स्टेट। यानी कि तब इसका एटम काफी हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, अपने सरफेस से उठ जाएगा, तो वही हमारा स्टेट हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट। सो आगे जो हमारा नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट है प्लाज्मा का, वो सॉरी मैटर का फिफ्थ स्टेट है, प्लाज्मा तो फोर्थ स्टेट है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अब जानते हैं इसमें, देखिए आपको यहाँ पे आइंस्टाइन दिखेगा, आइंस्टाइन इसलिए, अब इसका बोस भी आपको एक नेम ही लग रहा है, आइंस्टाइन भी एक नेम ही लग रहा है, आइंस्टाइन को सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं, 1920 में बोस एसन बोस, फुल नेम एसन बोस ने, एसन बोस की थ्योरी थी ये, एक स्टेट का फोर्थ स्टेट जिसमें उन्होंने, फिफ्थ स्टेट जिसमें उन्होंने बताया था, वो थ्योरी इन्होंने दी थी, वो थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन को सही लगी थी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको राइट प्रूफ किया था। तो इन दोनों के, ये इन दोनों की थ्योरी थी, इसीलिए इन दोनों को कॉन्सेप्ट में मिला के इसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जैसे कि ये जस्ट अपोजिट ऑफ प्लाज्मा है, प्लाज्मा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, कूल गैस यानी कि एक्सट्रीमली लो। अभी यहाँ पे इसका टेम्परेचर अगर हम बताएं तो अबाउट 0 केल्विन। अब 0 केल्विन का क्या मतलब है, यहाँ पर सेल्सियस की बात नहीं हो रही है, ना ही फारेनहाइट की, 0 केल्विन की बात हो रही है। अगर हम 0 केल्विन को निकालें, कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमको 0 है और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल प्लस 273.15, ये हमको दिया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं कि डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में आने के बाद ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ इतना इसका टेम्परेचर होगा, यानी कि समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा ये कूल है। ये हो गया हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसमें जो भी गैस, इसमें जो गैसेस रहती हैं उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहती है। डेंसिटी लो, डेंसिटी का क्या मतलब है, मास अपॉन वैल्यूम, डेंसिटी जो है हमारी वो क्या है, मास अपॉन वैल्यूम, यानी कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। अब इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा कम रहती है वो देखते हैं, 1/1000 ऑफ एयर, यानी कि एयर की डेंसिटी से उसका वन, एयर की जितनी डेंसिटी होती है उसके 1/1000। अब आप इसका अंदाजा एक बार थिंकिंग से ही लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, कितना ज़्यादा ये ठंडा होता है। सो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेट। अब फोर्थ स्टेट हमने, आपने समझा प्लाज्मा, और ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, यहीं पर इस चैप्टर का फिनिश होता है। आप टेम्परेचर स्केल पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा NCERT में, अगर आपको उस चैप्टर से कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ऑन टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं NCERT से हट के, NCERT को लेकर के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। तो इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।